ये पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखीसराय जिला मुख्यालय पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में मैं आया हूं। आज का दिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक महापर्व की तरह, जिस प्रकार अपने घरों में अपने घर के बच्चों को, अपने माता पिता के और परिवार के लोगों को हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, पार्टी हमारी माँ है, अपनी माँ का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। और कोई भी बेटा, कोई भी पुत्र अपने माँ का जन्मदिन मनाए कितना खुशी होता होगा, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता खुश है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ही दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी बनी है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह निश्चित रूप से जो जंक्शन काल के जो कार्यकर्ता रहे होंगे, और जो जंक्शन काल के कार्यकर्ता कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे महान पुरुषों के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस अवसर पर जो जंक्शन काल से आज तक जो भी संगठन के साथी है, पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप त्याग के प्रतिमूर्ति हैं। आपके पल पर ही दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है। आज हम लोगों के लिए एक महान दिन है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ हम राष्ट्र के विकसित होने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को राष्ट्रवादिता, राष्ट्रभक्ति उसके दिल में बसा हुआ रहता है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा एकदम अंत्योदय का भी चिंता किया जाता है। देश में जो गरीब भी भूखा नहीं रहे, इसका भी चिंता की जाती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हाथ में संविधान को लिए चलते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र का विकास कैसे हो, भारत विश्व गुरु कैसे बने, 21वीं सदी में भारत क्या हो, ये चिंतन निश्चित रूप से करते हैं। अन्य पार्टियों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में यही गुण है। आज देख जहां हम बैठे हुए हैं, कार्यक्रम मना रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है। आज इनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। फातेपुर के विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में विधानसभा में हम लोगों ने बिहार का जनहितकारी मुद्दाओं को उठाया है। बिहार सरकार यह निकम्मी है, ये सरकार किसी भी परिस्थिति में जनहित में कार्य करना नहीं चाह रही है। इस बार तो अद्भुत हो गया नज़ारा, जब अपने बिहार में प्रथम बार, आज़ादी के प्रथम बार, ये जंगल राज के सरकार ने विधानसभा के सत्र के समापन पर राष्ट्रगीत तक नहीं गाया। ये भारत और बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार गीत गाएंगे। बिहारी बनने का जज्बा तो हमारे दिल में है, लेकिन राष्ट्रभक्ति भी हमारे दिल में है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रगीत गाना हम सब लोग कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रगीत गाते हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन के सरकार ने प्रथम बार एक नया परंपरा बिहार विधानसभा में शुरू किया और राष्ट्रगीत ही नहीं गाया, राष्ट्रगीत गाना। हमें लग रहा है जब भारत के लोग या बिहार के लोग, हिंदुस्तान के लोग अगर राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, विधानसभा में नहीं गाएंगे, विधान परिषद में नहीं गाएंगे, राज्यसभा में नहीं गाएंगे, लोकसभा में नहीं गाएंगे, जब भारत के लोग भारत में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान के लोग बिहार के लोग बिहार के अंदर राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, तो क्या हम पाकिस्तान में जाकर गाएंगे क्या? नहीं जानते हैं लोग के मन में क्या है। लेकिन आज पार्टी की स्थापना दिवस है, इस दिवस पर केवल हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को बधाई देते हुए शुभकामना देते हैं कि आपके बल पर ही पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।